स्टूडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 मीटर लॉन्ग एंड 18 सेंटीमीटर वाइड। हमने एरिया फाइंड करना है, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर और जो विड्थ है वो है 18 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो हमने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। हमारे पास लेंथ जो है वो मीटर्स में है और विड्थ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इज इक्वल टू, हमने क्या किया कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया। इज इक्वल टू 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है और साथ में सेंटीमीटर हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्वेश्चन में विड्थ हमें गिवन है, तो विड्थ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर लिखा। अब एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। एरिया इज इक्वल टू, अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास 200, तो यहाँ पे हमने 200 लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे ही लिखा, और विड्थ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। एरिया इज इक्वल टू, अब 200 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। अब जो कि हम एरिया फाइंड करें तो एरिया की वैल्यू जो है वो स्क्वायर में होती है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में, तो हमने स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।